किसानों वालों अपनी मंगां नूं लैके अज अमृतसर के गोल्डन गेट विखे केंद्र सरकार अते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जम के रोस प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसान आगुआ ने गलबात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार वालों अजे तक MSP की गरंटी नहीं दी गई और ना ही किसानों के खिलाफ किए गए मामले रद्द किए गए हैं। इस नूं लैके केंद्र सरकार खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जंतर मंत्र के केंद्र सरकार के खिलाफ पक्का धरना दिता जाएगा। इस तो इलावा किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार वालों बिजली सोध बिल जिहड़ा लिया जा रहा वो तो पूर्ण तौर पर विरोध कर रहे। उन्होंने कहा कि जेकर यह बिल राज्यसभा विच पास हो जाता है तो बिजली के मूल वधाउण अते घटाउण की सारी ताकत कारपोरेट घराणे के हत्थां विच चली जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली धरने के वक्त जो किसानों दी मंगां नूं प्रवान किया गया सी अजे तक पूर्ण तौर पर लागू नहीं किया गया, जिसनों लैके वो विरोध प्रदर्शन करने लई दोबारा मजबूर हो गए। अमृतसर तो विशाल शर्मा की रिपोर्ट लाइव भारत। हाँ जी अपना ना सर अपना नाम तो उदा दस दी। सब तो पहला तो प्रेस का धन्यवाद करता हूँ इतने पुजे है गोल्डन अमृतसर गेट के। और मेरा नाम सरदार इंद्रजीत सिंह, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के सूबा प्रेजिडेंट। और अज सब तो पहला तो अटारी साहब सुल्तानवंत गुरद्वारा साहब मीटिंग हुई है अमृतसर जिले की, और वक् वक् पड़ावों के अपन मीटिंग चल रही कि सं गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चे ने एक थला बना के और एक अज जे पड़ाव ही पड़ा शुरू कर दते आ तैयारियां कर दती गई कि 22 अगस्त में जंतर मंत्र के अगे धरना भी लाने जा रहे हैं। इस पद्धत मीटिंग हुई वो मसला वा MSP वाला वा किसान जो अंदोलन के शहीद होया उन्होंने मुआवजे का मसला वा उन्हों परिवार नौकरियों का मसला कर्ज के मुद्दे से व्डे पद्धर से वो मसले आ। और ये नाल नाल एक बिजली सोध बिल जिहड़ा मोदी सरकार लैके आई आ और ये विरोध के अज इत असी पुतला फूकन वास्ते किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के वक् वक् सारे ही भारत अंदर ये चल रही लगातार रूटीन ये 20 अगस्त तक चलता रहेगा और उस तो बाद 22 अगस्त में जंतर मंत्र से एक दिन लिए धरना लगेगा और उत्थे 3 बजे तक अपनी स्टेज चलेगी, उस तो बाद PC भी होएगी। और ये वक् वक् पड़ावों तो वड्डी लहर बना के और भारत पद्धर से एक वड्डा थड़ा खड़ा करके फिर उत्थे पुजांगे। और जिहड़ा 2022 वाला इन्होंने कानून लैके आता बिजली सोध बिल वाला ये वड्डा घातक लोगों वास्ते यह आ कि जिहड़े अपने किसानों ट्यूबवैल कनैक्शन की सबसिडी मिलती वो भी खत्म होगी, जनतक लोगों 600 यूनिट जो सरकार वालों पंजाब सरकार वालों मिल रही ये भी खत्म होएगी कि जदों किसी प्राइवेट अदारे से सारा कुछ चले जाए फिर देश को आपकी कोई वाकडोर नहीं रह जाती। और वक् वक् पड़ावों के सारा कुछ BJP भाजपा ने सारा अपने अंडर करके आपकी अगवाई के कारपेट घराणिया जो भी सिस्टम चलता देश का सौंपती जा रही है। ये नाल ही अग्निपथ योजना जिमें 4 साल के साडे बच्चे जिहड़े पहिलां इन्नी मेहनत कश करके और वो फौज के भर्ती होंदे 4 साल बाद वापस आउणगे, ना वो घर जोगे रहणगे ना वो बाहर जोगे रहणगे। और जदों फौज सिक्के बंद ना रही 4 साल के मसा एक सिपाही सिक्के बंद ही हुंदा और देश दीआं सरहदां ते भी खतरा वा कि किसी दिन ये वड्डे पद्धर ते डानी बानी तुहानूं पहलां ही पता इन्हां दीआं बंदरगाहां ते वड्डे पद्धर ते जिहड़ियां वा हीरोइन समायकां जिहड़ियां फड़ियां गईआं और ये देश नूं बर्बाद करनगे। और इस विरोध के अच्छ पुतला भी फूकन जा रहे हैं और 22 अगस्त को वड्डे पद्धर से यंत्र मंत्र अगे गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चे वालों धरना भी दिता जाएगा। धन्यवाद। बार बार सेंटर सरकार वालों तानाशाही बयान दे रहे हैं, आखिर इसकी मंशा की लगती है? देखिए सेंटर सरकार तो पहला भी तानाशाही बयान दें थी कि जो 3 काले कानून आ जोड़े ये भी ठीक आ और आप इस गलते लड़ते स संयुक्त मोर्चे वाले जनतक लोग लड़ते सी कि साडे वास्ते घातक आ कि जिदे वास्ते दुकानदार भी वो खत्म हो गया सी, छोटा व्यापारी वर्ग भी जो खत्म हो जा रहा सी, मजदूर भी खत्म हो जा रहा सी, ते किसान भी जिहदे कोल मान लो फसल के पैसे ना मिले जमीन ना रही और उस जमीन जदों हत्थां चों निकल जाती तो फिर वड्डे पद्धर से जिहड़ा भारत आ उहदा बहुत वड्डे पद्धर से नुकसान होना सीगा। वो तो उदों भी कहिंदा सी ठीक आ पर हुण दसो भी जदों अपने दायरे के लोगों का जनतक दायरा जिहड़ा वो बिजली करन कढ के प्राइवेट घराणियां नूं दे दित्ता जांदा तो फिर वो तानाशाही वाली गल नहीं गी। इस करके आप जिन्ना चिर तक देश का सिस्टम नहीं ठीक हुंदा उन्ना चिर तक संयुक्त मोर्चा लड़दा रहेगा। धन्यवाद। जथेबंदियां की जिहड़ी संघर्ष हुंदी लंबे दौर ते हुंदी है,
कैप्टन सरकार के समय 2004 के लड़ाई शुरू हुई थी बिजली बिल बकाया की। पूरे 9 साल लड़े सां बिजली बिल रद्द करवा के और बिजली जी किसानों की सबसिडी बहाल करवाई थी और इस करके संघर्षा के दौर लंबे आ पड़ा बई पड़ा पड़ा बई पड़ा। ये अगली रूपरेखा जी परमात्मा को पता ये किधर न चल के जाएगी, पर जिन्ना चर सिस्टम नहीं ठीक होंगे वो लड़ते रहेंगे। मेरा नाम राजपाल सिंह सुल्तानविंड। ये असी पुतला मोदी का तां सार रहा, ये ना अपना बिजली दे बिल फिर दोबारा इन्हें 2020 दे दोबारा लेके आए वा। इस करके जिमें कि मतलब इन्हें अपना पंजाब यूनिवर्सिटी भी उधर भी घलाता, फिर पहाड़ा डैम के भी इन्हें अपने सेंटर का जिन्ना भी स्टाफ आ ला के इतों का मतलब, क्योंकि ये सारिया चीज़ा पंजाब दियाँ ही, जे पानी जड़ा वा पंजाब ही करता वा तो ये दूजा अपना हरियाणा वगैरह वाल लैके जा रहा, क्योंकि ये पैरों पैर हर दिन हर पंजाब लई मतलब वितकरा ही करी जा रहा वा। क्योंकि सानू आस सी कि भी शायद भगवंत मान कुछ ना कुछ राहत दऊगा, पर इन्हें भी आ के कोई भी यहोजा कोई नहीं किया जिदे नाल, क्योंकि जिमें हुण उन्होंने टाइम पर भी नशा चलता सीगा, हुण भी नशा उस तरह ही चल रहा है। क्योंकि ये हुण उस माँ नूं पता वा कि जिहदा बच्चा मर जाता वा, उहदी माँ नूं जाके पुछो भी किवें आ, क्योंकि उहदा घर बर्बाद हो जाता वा। इस करके सारिआं नूं ज़्यादा मतलब जिहड़ा ये नशे का दौर वा ये कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो घर के घर बर्बाद होंदे जा रहे हैं। कुछ रेंदे खुंदे पढ़े लिखे जिहड़े बच्चे आ वो बाहर के मुल्कों के जा रहे हैं। इस करके सानू इन्हां नूं चाहीदा वा वो जिहड़े बच्चे जिहड़े इत्थे पढ़ लिख के जे बाहरले देशां च जाके उन्हां देशां लई काम कर सकदे आ, तो की गल वो अपने देश दे विच नहीं काम कर। सब तो पहलो किसानां लई काले कानून लियाउणा, फिर इस तरह का बयानबाजी आ के मनसा की लगदी है केंद्र सरकार उहदे पैरों पैर मतलब जिवें हुण काले कानून लैते नहीं आंदे, असीं नहीं आंदे भी चलो ये इन्हें बहुत वधिया कीता भी काले कानून लिया के एक बारी मतलब पूरी इंडिया पूरी दुनिया की जनता नूं एक स्टेज पर लिया के इकट्ठा कर दिता, क्योंकि 32 जथेबंदियां कट्ठिया होनिया मैना रखाउंदियां ने। क्योंकि जे ये 3 काले कानून लिया वा तो ही मतलब ये लोग इकट्ठे हुए इकट्ठे हो के लोगों नूं एहसास हो गया वा भी हाँ मतलब असी स्वतंत्र नहीं गए, क्योंकि ये देश नूं आज़ाद करवाया सीगा, क्योंकि अपने वड्डियां वडेरियां ने भी शहीदियां दे के इस देश नूं आज़ाद करवाया, तो हुण असीं उन्हां नालों भी क्योंकि उन्हां भी इन्ने अत्याचार नहीं किए जदों जिन्ना जदों के ये हुण उन्हां नालों भी ज़्यादा अत्याचार कर रहे। इतों वड्डी रणनीति असीं हुण 21 तरीक नूं उत्थे जंतर मंत्र ते जाके 22 तरीक नूं इतों रवाना होना वा, 22 तरीक नूं उत्थे जंतर मंत्र ते धरना लावांगे, धरना ला के जे फिर भी साड़ियां मंगा ना मनियां तो अं लगातार अगे वागू फिर एकजुट हो गए।